हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र की समस्या लेकर पूर्व में भी हम कई बार आ चुके हैं, कई बार इनको हमने ये दिए ज्ञापन दिए, लेकिन इनके ऊपर कोई भी तरह की जू नहीं रहती है। मजबूर होके हमें आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। इसके लिए सब जवाबदारी इन्हीं लोगों की है, ये लोग कोई तरह की सुनवाई नहीं करते। कई बार हमने इनसे कह दिया और हमने इनसे निवेदन कर दिया कि आप लोग इस पर सफाई की व्यवस्था भी नहीं, इनके पास न लाइट की व्यवस्था है और न कोई यहाँ पे जो मकान इनके खाली पड़े हैं उनके ऊपर कोई नोटिस देते हैं। जमाने भर के वहाँ पे आसपास में झाड़ झब्बाड़ हो रहे हैं, अनैतिक कार्य होते हैं, आए दिन इनको कहा जाता है, कोई तरह की इनके ऊपर मतलब जू नहीं रहती है। उसके बाद के अंदर हमने आज इनको मजबूर होकर धरना दिया और इन सभी को बुला के एक 10 सूत्री ये जो हमारा है ये हमने दिया इनको कि हमारी ये मांगे हैं, इनको अतिशीघ्र पूरा करा जाए, अन्यथा हम अगले टाइम यहाँ पे बैठ के हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इन्होंने आश्वासन दिया अभी तक भी, लेकिन इनका मेरा मेन जो मतलब है हमारे मोदी जी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी सफाई व्यवस्था को लेके चल रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सफाई व्यवस्था हो, लेकिन हमारा क्षेत्र जो हाउसिंग बोर्ड का इलाका है उसमें पिछले 12 महीने से कोई भी कर्मचारी निगम के मतलब हमारे हाउसिंग बोर्ड के द्वारा नहीं लगाए गए हैं। अब मुझे ये बताइए कि सफाई कैसे होगी। जब इनके आज मैंने इनसे कहा तो इन्होंने बोला 6 कर्मचारी हमने टाइम पर ही लगाए हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता 12 महीने तक हमारे आरी साहब या जो इनका अधिकार था वो अधिकारी कहाँ गए थे। 12 महीने में कम से कम मैंने 10 तो लेटर दे दिए, 3-3, 4-4 बार मैं आ चुका हूँ। मजबूरन होके आज हमें कदम उठाना पड़ा है कि हमें धंधा देना पड़ रहा है। इनकी ये स्थिति है कि जब आते हैं हमारे जो सम्मानीय है पे आरी है कालू जी, वो कहते हैं साहब कि हम सफाई व्यवस्था वाले को देते ही क्या है, हम बिजली वाले को देते ही क्या है, पता नहीं इनका क्या ठेकेदारों से सेटिंग है कि बक्सर जाने क्या है। अब इनको ये पूछो कि एक ट्यूबलाइट का मैंने 5 महीने पहले इनके फोटो डाली है कि साहब ये ट्यूबलाइट अगर खराब हो रही है, 5 महीने में इन्होंने एक ट्यूबलाइट नहीं लगवाई। और जब इनसे बोला जाता है तो एक ही बात होती है कि हम उनको देते ही क्या है, अब पता नहीं इनके सेटिंग के हैं सारे या क्या, ईश्वर जानता है, तो यही जानते हैं कालू जी। आश्वासन तो भाई साहब पहले भी मिला था, आपने पहले भी कई बार आश्वासन आप सही कह रहे हैं, पहले भी मुझे मिला था, कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई, उसीलिए हमें मजबूर होके आज सभी को धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। जब तक ये मेरे को पक्का जवाब नहीं दे देंगे या हम जवाब से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। अभी माननीय विधायक महोदय हमारे जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं पूर्व, वो पधारने वाले हैं, उनसे भी मैं इनसे बात करवाऊंगा। और जब तक हम श्योर नहीं हो जाएंगे कि हमारी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से होगा, तब तक हम आज हम उठ के नहीं जाएंगे। भला ये कुछ भी कर ले, हमें धरना देना पड़ा, धरना देंगे, धरने के लिए आए हम और हमें इसका ही समाधान चाहिए। नाम प्रकाश मेरा, पार्षद वार्ड।